हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए व्रत की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आसानी से घर पे मिलने वालों सामानों से ही बनकर तैयार हो जाती है और मात्र 10 से 12 मिनट लगता है इस रेसिपी को बनाने में। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच घी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई या नॉनस्टिक कढ़ाई है तो वही यूज करें, नहीं है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और क्यों लोहे की कढ़ाई और नॉनस्टिक कढ़ाई यूज करनी है वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर आलू बॉईल करके उसे सबसे छोटे वाले साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर जो आलू मैंने ग्रेट की है वो 1.5 कटोरी आलू है। तो आलू आपको सबसे छोटे वाले जो कद्दूकस होता है उसी से कद्दूकस करना है, क्योंकि आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए जो छोटे साइज का ग्रेटर है उसी से आलू को बॉइल करके ग्रेट कर लीजिए। और फिर उसे लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक हम भून लेंगे। आलू अच्छे से आपका लाल लाल सा हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा सा सोनापन आलू में आना चाहिए। और फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो गया मुझे इसे भूनते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू बिल्कुल अच्छे से लाल हो गई है, बहुत अच्छा सा सोनापन इसमें आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हमने मैश्ड आलू ली थी 1.5 कटोरी, उसी कटोरी से 1/2 कटोरी चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1-2 चम्मच कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे लगातार इस तरीके से देख सकते हैं चलाएंगे चीनी मेल्ट होने तक। और फ्रेंड्स, आप ये हलवा 2 तरीके से बना सकते हैं। तो आप चाहें तो अगर आप दूध नहीं ऐड करना चाहते इसमें तो इस स्टेज पर आप इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद 1 मिनट इसे पका लें और आपका हलवा बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो जब चीनी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कटोरी दूध। और दूध की क्वांटिटी थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास दूध कम है तो आप 1 कटोरी दूध भी ऐड करेंगे तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और दूध डालने के बाद भी हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जब आप हाई कर रहे हैं तो इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो ये नीचे से लग सकता है। और फ्रेंड्स, हाँ, मैं क्यों बता रही थी कि लोहे की कढ़ाई या नॉनस्टिक कढ़ाई लें, क्योंकि जब आप आलू भूनते हैं तो वो नीचे से चिपकती है, तो लोहे की कढ़ाई भी नॉनस्टिक की तरह काम करती है। तो लोहे की और नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे तो आपकी हाथों की मेहनत थोड़ा सा कम लगेगी और अदर कढ़ाई में भुनने में हाथों की मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगी। तो इसलिए अगर आपके पास है तो वही लें, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ी देर इसे चलाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और फिर हम इसे मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस स्टेज पर भी हलवे को बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा गीला गीला हलवा अगर आपको पसंद है तो इस स्टेज पर 1-2 बार जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तो उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दें और उसके बाद भी आप ये हलवा खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा करके भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ, मैंने तीनों स्टेज आपको बता दी हैं। आप चाहें तो बिना दूध के भी खा सकते हैं, चाहें तो ऐसे पतला पतला भी खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है, और चाहें तो इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार चलाते हुए मैं इसे गाढ़ा कर रही हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है। आप किसी को भी देंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आलू का हलवा इतने कम सामानों से बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए इसे मुझे 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको हलवा थोड़ा सा पतला पसंद है तो जब आपने दूध ऐड किया था उसके बाद उसमें 2-3 बॉयल आ जाए फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके वैसे उसे एंजॉय कर सकते हैं, या अगर आपको सूखा पसंद है तो ऐसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल टेस्टी सा आलू का हलवा बनकर तैयार है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप जिसे भी इसे खिलाएंगे ना कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आलू का हलवा इतने कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।